आपकी फ्रेंड हैं, फादर साथ नहीं हैं और शादी भी घर वाले ऐसी जगह पे करना चाह रहे हैं जहाँ पे वो नहीं जानती, क्योंकि उस आदमी के अखलाक सही नहीं है। वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहती है और एजुकेशन भी नहीं कंटिन्यू करने दी जा रही है, हालांकि उसके अच्छे मार्क्स हैं। वो अशी पता नहीं किस कैफियत में है वो, क्या हालात है लग रही है करने उनके ऊपर। मैं यही उनसे कहूँगी, डायरेक्टली भी उनसे यही कहूँगी कि किंजा हौसला रखिए, अपनी बात जो है लाजमन कहिए, लाजमन कहिए, क्योंकि आपने कल जो रो धो के और बुरा भला कह के ताने में और उसमें जो कहनी है उससे बहुत बेहतर है आज अपनी बात करें, जब आपका हक है, जब आप फॉर्मली और रिस्पेक्टफुली फॉर्मली बात करेंगे, दूसरे को सुननी पड़ेगी और अल्लाह करे आपको वो तालीम कंटिन्यू करने की इजाज़त दे दें, आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। तो कीजिए बात, हो सकता है आप कह सके कि आप थोड़ा सा इतना सा अगर आप करते हैं मैं आपको लौटा दूंगी, मैं सेकंड जॉब कर लूंगी, सेकंड टाइम में मैं कुछ कर लूंगी, कुछ करके देखिए, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी कर दे। आपको भी मैं वही वजीफा पढ़ने का कहूंगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु वलहु अलहम्दु वहुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। जब कोई काम चीज काम नहीं आती तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम जो है वो काम आता है। इसी तरह ला इलाहा इल्ला अंता सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन, अल्लाह तू पाक है और मैं ज़ालिम हूँ। और दूसरे ये कीजिए कि बहुत ज़्यादा दुआ कीजिए अल्लाह ताला से, नमाज की पाबंदी करें तवज्जो के साथ और अल्लाह ताला से मांगिए, इंशाल्लाह अल्लाह आसानियाँ करेगा, अल्लाह दिलों को नरम करेगा। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, रब्बी सहल वयस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या मुयस्सिर अमरी यस्सिर। और अगर आपके फादर अलाइव है और इंशाल्लाह, डू कॉन्टैक्ट विद हिम, मे बी इट्स नॉट अ बैड थिंग टू डू दैट, प्लीज़ डू।